हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास सेवन्थ के हिस्ट्री के चैप्टर फोर्थ, जिसका नाम है द मुगल एम्पायर, उसको कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि मुगल डेंसिटी जो है, उन्होंने किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना रूल किया और किस तरह से उन्होंने अपनी डेंसिटी को एक्सपायर किया, और उनकी डेंसिटी की वजह से लोगों पर और उन कल्चर पर किस तरह का इफेक्ट पड़ा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में होता गया द रूलिंग एज ए लार्ज टेरिटरी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच ए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर ऑफ अकम्पलिस इन द मिडल एजेस। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिडल एज में जो लार्ज टेरिटरी बनाई गई थी, या कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी जो थी, उनका जो कल्चर था और पीपल्स था, उनमें एक्सपेंड करना जो था उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था। हैंस इट वॉज डिफिकल्ट टास्क था उनको टास्क करना, जो कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें करना उनके लिए, उनके ऊपर रूलिंग करना, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से अलग अलग उन लोगों का कल्चर था। देखो, हमने देखा था कि पहले क्या था कि हिंदू राज्य लोग थे, हिंदू पीपल थे, और एम्पायर जो थे, किंगडम थी, वो हिंदू किंग्स की थी, राइट। उसके बाद में हमने देखा जैसे तोमर्स आए, राजपूत आई, वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम्स का, कह सकते हैं इस्लाम का, फ्रांस का, फॉरन जो इन्वेडर थे, उनका यहाँ पर रूलिंग हमें देखने को मिली। तो इस तरह से लोगों की जो डाइवर्सिटी, उनका जो कल्चर था, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। उसके अंदर उनके कल्चर में, लोगों में अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, या कह सकते हैं कि कल्चर को, अलग अलग कल्चर को मानने वाले, बिलोंग करने वाले लोग हमें देखने को। तो इस तरह से इस टेरिटरी पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था, इसके ऊपर रूल करना किसी भी कंट्रोलर के, रूलर के लिए मुश्किल काम था, कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टास्क था। ओके, फ्रॉम द लेट 16th सेंचुरी द मुगल्स एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। तो 16th सेंचुरी की बात करें तो मुगल्स जो थे वो आए थे। हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था कि शेरशाह सूरी के का जो कॉन्फ्लिक्ट था, प्रॉब्लम्स थी, वॉर थे, वो हुमायूं के साथ थे, राइट। तो हुमायूं एक मुगल एम्परर था, ओके, हुमायूं एक मुगल रूलर था। तो 16th सेंचुरी में मुगल्स ने अपना जो किंगडम थी उसको एक्सपेंड किया आगरा और दिल्ली तक। दे कंट्रोल नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने जैसे अपने किंगडम को एक्सपेंड किया, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इनके अंडर रूलिंग आ जाता है। थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस दे लेफ्ट ए पोलिटिकल लीजेसी ऑफ द सक्सीडिंग रूलर्स। तो उन्होंने जिस तरह से रूलिंग किया, या कह सकते जिस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, और उन्होंने जो गवर्नेंस था, उन्होंने जो आइडियाज़ यूज किए अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, रूल करने के लिए, तो वो एक तरह से एक पोलिटिकल लीजेसी जो है वो लेफ्ट करके चले गए लोगों को, यानी कि आने वाले जो रूलर्स थे ना उनके लिए, ये सक्सीडिंग रूलर्स थे उनके लिए एक तरह से बैकग्राउंड तैयार करके चले गए कि भी आपको जो है इस नई रूल रेगुलेशंस की वजह से, इन पॉलिटिकल आइडियाज़ के बेस पे आपको रूलिंग करनी है। ओके, अब ये सब देखिए, अगर हम इनकी बात करें कि इन सक्सेडिंग रूलर्स ने जो सब कॉन्टिनेंट पर रूलिंग की है, पॉलिटिकल लीजेसी जो हमें लेफ्ट आउट छोड़ के लिए, उनके बैकग्राउंड में हमारे लिए छोड़ के लिए, तो उसका इम्पैक्ट हमारे आज के टाइम पे हमारे ऊपर देखा जाता है। वो कैसे कि टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रामपार्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। ठीक है, तो रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर। तो मुगल एम्परर के आज के टाइम पर अगर बात करें तो कि उन्होंने जो चीज़ें की या रूलिंग की, जो उन्होंने डाइवर्सिटी यहाँ पर एक्सपेंड की या रूलिंग की, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, कल्चर में देखने को मिलता है। उसका एक एग्जांपल दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो एड्रेस करते हैं पूरे नेशन को इंडिपेंडेंस डे के दिन पे, जो है लाल किले पर, रेड फोर्ट पर जो है तिरंगा फहराते हैं, वहाँ से लोगों को स्पीच देते हैं, कह सकते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं अब इंडियंस को, है ना। तो वो एक्चुअल में ये रेड फोर्ट क्या था, रेड फोर्ट था ये मुगल एम्परर्स जो थे ना उनकी रेजिडेंस थी। ओके, देखिए ये आपकी बुक में एक मैप दिया गया है रेड फोर्ट का, ये बताया कि यहाँ से जो है इन हमारे प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं नेशन को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पुटअप होता है कि हु वर द मुगल्स, ये मुगल्स थे कौन। ओके, तो मुगल्स वर डिस्कंडेंट्स ऑफ द टू ग्रेट लेजेंसीज रूलर्स। ठीक है, तो ये मुगल्स जो थे ना, ये दो बड़ी बड़ी डेंसिटीज़ थे ना, उनके सक्सेसर हम कह सकते हैं कि या उनके रूलर्स थे, वहाँ से यहाँ ये बिलोंग करके आते हैं। मदर साइड से अगर हम बात करें, देखो जैसे माता पिता के, तो मदर साइड से हम बात करें तो ये जो थे, ये रूलर चंगेज़ खान जो रूलर थे मंगोल ट्राइब्स के, उनके सक्सेसर थे। ओके, और अगर जिनकी रूलिंग जो है चाइना और सेंट्रल एशिया में भी
हमें देखने को मिली। ओके, और अगर हम फ्रॉम फादर साइड कहेंगे कि फादर की साइड से बात करें तो ये देवर सक्सेसर ऑफ तैमूर, तैमूर की सक्सेसर थे जो जिनकी रूलिंग थी ईरान, इराक और मॉडर्न डे ऑफ टर्की, जो आज के टाइम पे टर्की है उस एरिया में उनकी रूलिंग थी। ओके, तो ये जो मुगल्स थे ना ये प्राउड फील करते थे अपने आप को तैमूर जो ऑटोक्रेसी है ना उससे बिलोंग करवाने में। ओके, चंगेज़ खान से ये लोग अपने आप को कह सकते हैं कि एक तरह से उस चीज़ को नेगलेक्ट करते थे कि भाई हम जो है हम तैमूर्स के सक्सेसर हैं, ओके, ना कि चंगेज़ खान के सक्सेसर। ओके, इसके पीछे एक रीज़न था, वो रीज़न था कि जो चंगेज़ खान थे ना उन्होंने जो है मंगोल में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मंगोल ट्राइब में उनकी मेमोरी जो है लीडर चंगेज़ खान की वो एसोसिएटेड ग्रेट मैसकोर हो कि उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा मार काट या हमें देख सकते थे ऐसी ट्रेजडीज हमें देखने वोलेंस एक तरह से हमें देखने को मिली थी। लेकिन अगर तैमूर की बात करें या तैमूर की साइड से बात करें तो उस अष्टकेशी में वो एक ग्रेट सक्सेसर के रूप में सामने आया था और इसी वजह से तो वो मुगल्स जो हों वो इस चीज़ को बिलोंग करते थे। और एक तरह से हम कहें कि जो तैमूर ने दिल्ली में भी इन्वेड किया था तो तैमूर ने दिल्ली में 1398 में इन्वेड किया था, इसीलिए इनको सक्सेसर के रूप में माना जाता है और मुगल्स भी अपने आप को तैमूर सक्सेसर कहलाना पसंद करते थे। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कि मुग़ल कौन थे किस तरह थे, तो हम सिंपली में कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि मुग़ल कौन थे, मुग़ल अगर हम कहें कि दो बड़ी बड़ी डेंसिटीज़ के सक्सेसर के रूप में जाने जाते हैं, दो बड़े रूलर्स के सक्सेसर के रूप में जाने जाते हैं, एक साइड जो थे मदर साइड से हम कहें तो चंगेज़ खान के और सेकेंड जो थे तैमूर के, तो फादर साइड से थे वो तैमूर के सक्सेसर थे। ओके, और एक्चुअल में जो इंडिया में अगर हम बात करें मुग़ल एम्पायर को किसने एस्टेब्लिश किया था, तो मुग़ल एम्पायर को बाबर ने, यानी कि अकबर जो बड़े किंग माने जाते हैं उनके जो दादा थे ग्रैंडफादर थे उन्होंने इंडिया में उसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, फिर हम देख इस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मुग़ल डेंसिटीज़ के कौन कौन से रूलर्स आए थे, बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर के बाद जहांगीर, इस तरह से पूरा मुग़ल एम्पायर जो है उन्होंने किस तरह से 16th century से स्टार्ट करके और एक पूरे टाइम पीरियड लंबे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूलिंग की थी। ओके, चलिए।